Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil official, stay tuned. स्पीकर डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जी, हमारे साथ हमारे एक नूरे मोहम्मदी साहब आए हैं। सर, आप मुसलमान हैं? जी, नूरे मोहम्मद मुसलमान हैं आप? सर, हां अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। ओके जी सर, आप कुछ मुद्दा रखना चाहेंगे या नहीं? आप बोला ना पहले। बोला तो है सर, ये जो हदीस है मनसब का नबीयन फक्तुलु के ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये तो ज़ईफ हदीस है ना। जी जी, तो वो भी मैंने आपको बाकी दिखाया ना कि ये हदीस अगरचे ज़ईफ है लेकिन मोहम्मद साहब की सुन्नत की वजह से, जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द अपने सहाबियों को जिन्होंने नबी को कुछ गलत सलत कहा उनको मरवा के सुन्नत के तरीके से ये सही बनती है, क्योंकि सुन्नत में ऐसा हुआ। लिहाजा नबी ने ये किया, नबी ने कहा या नहीं कहा कोई मसला नहीं है, नबी ने इस पे अमल किया, सुन्नत है। तो आप इस सुन्नत को मानते हैं कि नहीं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये तो सही हदीस है ना यार। अभी आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपके दिमाग में ताला लगा हुआ है क्या? अभी मैंने क्या बोला है? क्या नबी ने अपने खिलाफ बात लोगों को कत्ल करवाया? ये आपके सामने हदीस है सही बुखारी की, क्या कहते हैं इसके बारे में? हदीसों को नहीं मानता ना। बुखारी को नहीं मानते, मुस्लिम को मानते? हदीसों को ही नहीं मानते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नमाज पढ़ते हैं? नमाज कैसे पढ़ते हैं? नमाज जिस तरीके से हो, तरीके से। कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका बताइए ना जरा। कुरान में सलात करने का तो है ना? हाँ, कैसे करनी है सलात? कैसा कैसा करते हैं सलात कायम, कैसे करते हैं? जो हदीस में है देख कर रहे हैं। तो फिर हदीस में बताओ। क्या यार, कसम से भेजा फूडी सर, पटक लेने का दिल करता है कभी कभार। तुम आए क्यों? तुम इतने बड़े दोगले हो कि तुम एक्सपोज कर रहे हो कि इस्लाम एक इंतहाई दो नंबर और जलील मजहब है, तुमने अभी साबित कर दिया। क्यों आए हो यहाँ पे? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मैं क्या साबित किया? मैं कुछ बोला नहीं। साबित हो गया, सब लोगों को पता लग गया ना। नमाज पढ़ते हो हदीसों से लेकिन हदीस को नहीं मानते, तो इसका मतलब है तुम दोगले हो, चवल हो। नहीं मानते। तो सही बुखारी की सही हदीस, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में लिखी हुई है हदीस। सही बुखारी सही मुस्लिम। हाँ, हुजूर सल्लम पर जो भी करेंगे खतल करने की जरूरत है। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे कत्ल। माशाल्लाह। मेन स्क्रीन पे लेके आओ इनको। चलिए सर, अब देखे ना, अब भाई साहब बोल पड़े। जरूर करेंगे कत्ल नूरे मोहम्मद साहब। कैसे कत्ल करेंगे? नबी पाक ने कैसे कैसे कत्ल करवाया? जो भी होगा कत्ल कर देंगे, सामने आओ ना। हाँ, कैसे कत्ल करवाएंगे सर, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। नबी पाक ने कैसे कैसे कत्ल करवाया था, याद है आपको कुछ पता? हाँ पता है थोड़े। पहले उनके हाथ, पहले उनके हाथ कटवाए, फिर उनकी टांगे कटवाई, फिर उनकी आंखों में गरम सुलाखें डलवा दी, और फिर जब वो पानी मांगते रहे तो पानी भी नहीं दिया। ऐसे ही कत्ल करवाएंगे आप? मैं डायरेक्ट गर्दन उड़ा दूंगा। अच्छा, आप होए 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 सर, ये तो कम से कम अच्छे हैं सर, रहम दिली से कत्ल करेंगे सर, तरपा तरपा के नहीं। कहां से हैं मोहतरम आप? मोहतरम कहां से हैं आप? हम हैदराबाद। कौन सा यार, थोड़ा प्यारे का? प्यारा सा। हाँ, इंडिया का हैदराबाद। हाँ, इंडिया का हैदराबाद।
इंडिया के हैदराबाद सर, थोड़ी प्यारी सी अपनी, हाँ नूरानी नाम में भी नूर है और नूरे मोहम्मद है, तो अपना नूरानी चेहरा भी तो दिखा दे भाई। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं, जैसे मैं कहीं आसमान की बातें सुना रहा हूँ। क्या इतनी हिम्मत होती नहीं है? हाँ मैं जरूर बताऊंगा, आराम से करो भाई, जो बताओ बोलो। अरे तो मैं दिखा रहा हूँ ना यार, अरे मैं दिखा रहा हूँ ना, नहीं 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 मैं जरूर दिखाऊंगा। मेरा कत्ल नहीं करना है, मेरा कत्ल नहीं करना है, मुझे कत्ल नहीं करना है आपको, पर मुझे भी कत्ल करना है। हाँ तो मेरे को पहले करना, तो मैं चेहरा दिखा रहा हूँ ना, तो इस हिसाब से आपका भी फर्ज बनता है आप चेहरा दिखा दो। कैसी बातें करने आती है यार, नबी के लिए इतना तो बनता है नूर मोहम्मद भाई, नबी की इश्क के लिए, नबी की नूर के लिए इतना तो बनता है कि आप एक सबूत दे और अपना नूरानी चेहरा दिखाए, जो नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए बेकरार है, तो चेहरा तो दिखाना बनता है ना भाई। बनता है, बनता है, बता दीजिए ना भाई। अरे मैं दिखा रहा हूँ एडम सीकर से क्या लेना देना, मुझे कत्ल करना है, मैं भी एक आपका वो टारगेट पे हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ चेहरा। देखो हिम्मत, देखो आप में और मेरे में हिम्मत का फर्क देखो, मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, आप मुझे मारने की बात कर रहे हो, आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपका अल्लाह भी नहीं बचाएगा आपको, ना रसूलुल्लाह बचा पाएंगे, ये चीज अच्छे से आपको पता है एकदम, आपको ना अल्लाह पे यकीन है ना रसूलुल्लाह पे यकीन है। ये जो मामला है ना कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये इस पे आप लोगों का ईमान ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के अंदर डर है, खौफ है कि भाई धमकियां तो दे देंगे और अगर चेहरा दिखा दिए तो हमारा अल्लाह नहीं बचा पाएगा, जैसे अल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं बचाए, जहर खिला दी उस औरत ने, यहूदी औरत ने, नहीं बचा पाया अल्लाह, दांत मुबारक अल्लाह के रसूल के शहीद हो गए, अल्लाह नहीं बचा पाए, 70 सहाबा को कत्ल कर दिया गया, अल्लाह नहीं बचा पाए, तो उसी तरीके से आपको पूरा यकीन है 110% कि मुझे भी अल्लाह नहीं बचा पाएगा, इस वजह से आप डरते हैं, तो क्यों फिर ये डोगलापन और ये मुनाफकत क्यों, जब अल्लाह पे और उसके रसूल पे इतना यकीन है ही नहीं, तो उसके लिए मरने मारने पे क्यों तुले हुए हो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सामने आओ ना, है कोई जवाब? सामने आओ फिर वही सामने आओ। आपको अल्लाह पे यकीन है कि आप अल्लाह का इतना बड़ा अजीम फरीजा निभाने के लिए निकलेंगे तो अल्लाह आपको बचा लेगा, आपको यकीन है? हाँ तो चेहरा दिखाओ फिर, चेहरा दिखाओ अगर अल्लाह पे यकीन है तो। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार ये मतलब अल्लाह पे यकीन नहीं आपको, बोल दो ना नहीं यकीन है, मसला ही खत्म, बोल दो नहीं यकीन है, खत्म मसला। अरे नूर भाई, हम लोग तो ईमान वालों से डरते हैं, आप किससे डर के चेहरा छुपा रहे हो? हम किसी ना डरते, अल्लाह से डरते। तो दिखाओ ना चेहरा फिर, दिखाते क्यों नहीं? दिखाते क्यों नहीं, दिखाओ ना चेहरा फिर। यार तुम्हारा कोई कोई ईमान नहीं है, तुम खोखला तुम्हारा ईमान है, तुम मुनाफिक हो। अगर वाकई में अल्लाह पे और रसूलुल्लाह पे यकीन होता कि भाई इतना अजीम काम मैं करूंगा, मुझे अल्लाह बचाएगा, क्योंकि अल्लाह जिसको बचाना चाहे, कुरान की आयत है ना, जिसको अल्लाह बचाना चाहे पूरी दुनिया मिलके उसको नहीं मार सकती, जिसको बेशक। तो फिर ये सब आयतों पे आदम इनका यकीन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका दिमाग चलता है, यहाँ पे इनका दिमाग चलता है कि ये ना कोई अल्लाह है, कुछ नहीं है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इससे हमको अल्लाह जो बचा ही नहीं सकता, यकीन ही नहीं है। मैं बोलता हूँ ना इनका ईमान अधूरा है, मुनाफिक ही है। ये देखें हमारे पास विपल जी कह रहे हैं, व्हाट द हेल यार, ए तन कत ते अगे हैश अंब सुप्रीमेसी।
चलो यार ऐसा करो, अपने इनको निकालो किसी और को लो यार, कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे लोग अच्छा इंसान बनो। अपने अल्लाह का कहना है कि तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दे, ठीक है, और ताकत हाँ, दे, जब ईमान ताजा हो जाए तो फिर आइएगा। बिल्कुल हाँ, जब ईमान ताजा हो जाए तब आइएगा, चेहरा दिखा के धमकी दीजिएगा, ठीक है नूर मोहम्मद भाई? इन लोगों का मसला ना बड़ा खराब है, ये हमारे सामने तो कुरानिस्ट बन जाएंगे। अभी से पता मैं चेहरा दिखा दूंगा ना तो मोहल्ले में पकड़ लेंगे, साले तो कुरानिस्ट है ना। इसीलिए दिखा रहा है बंदा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।